हम लोग निकल चुके हैं और बाय द वे लखनऊ छोड़ते छोड़ते ही हमें टाइम हो गया है 3 बजने वाले हैं और ये आश्रय की वजह से हुआ है सब कुछ। इसको भूख लगी थी, खाना खा रहा था बैठ के। बहुत गाली तुम दे सकते हो, हम म्यूट कर देंगे। नहीं भाई मत देना, एडिट करना पड़ता है। हाँ भाई ठीक है। तो बाय द वे जैसे कि मैंने बताया, इस वाले व्लॉग में आपको सारा हसल दिखेगा और ये वाला व्लॉग आएगा जब डिलीवरी हो चुकी होगी बाइक की। तो अभी हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और हमें 2 से 3 बाइक्स देखनी है, लानी है। अब कौन सी बाइक्स है ये सब धीरे धीरे पता चलता रहेगा जर्नी के टाइम पे। चलो अभी नीतीश भैया के पास जा रहे हैं हम लोग। टूरिंग वाली बाइक ले रहे हो? अच्छी ले रहे हो भाई, टूरिंग बाइक है ना, अच्छी है। हाँ ये तो है, टाइगर ले रहा हूँ मैं, टाइगर बढ़िया रखना। ले लिया ना, ट्रेड बाइक दिमाग खराब कर देते भाई। तो अभी हम लोग रेस डायनेमिक्स लखनऊ आ चुके हैं और कुछ काम था दीपक भैया से, तो वो काम हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नीतीश भैया भी रेडी हो चुके हैं और तो नीतीश भैया ने हमको वेट कराया काफी। इधर देखिए, देखिए इधर देखिए कैसे बहुत वेट कराया भैया ने। उगाती उगाती का बैग लेके भैया एकदम जा रहा है, लगा 4-5 सुपर बाइक आनी है इस बार। हल्का एकदम खतरनाक। तो अभी मुझे छोटा सा एक ब्रांड का करना था, तो मैंने कहा यहाँ पर शोरूम में कर लिया क्योंकि शोरूम से ज्यादा खूबसूरत मुझे लगता है और बैकग्राउंड मिलता है ना। तो यहाँ वो करने वाले, उसके बाद निकल रहे हम लोग सीधा आगरा के लिए। और आज निकलते निकलते ही 4 बज जाएगा, तो आगरा अब ऐसे करो थोड़ा ऐसे, तो आगरा पहुँचते पहुँचते ही मुझे लग रहा है मतलब वहीं रुकना पड़ेगा, वहीं सोएंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली देखो आपको तो इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा, बट हमें शायद कल देखें भाई, क्योंकि आज रात हो जाएगी, क्या ही देखें क्या ही चलाएंगे। चलो जगह है, बहुत है जगह ही जगह है शुरुआत हो चुकी है हमारे रोड ट्रिप की। और अभी पहले जाने शहीद पर, शहीद पर से होते हुए जाएंगे एक्सप्रेस में, एक्सप्रेस में जाएंगे आगरा। अभी देखते हैं हम लोग कि गाड़ी मुड़ती है कि नहीं। नहीं मुड़ेगी क्या? घूम रही है क्या स्टीयरिंग? हो चुका है। हाँ यार सही कह रहे हो भाई। कह रहे हैं मुड़ के देखो, जिंदा है हम लोग। 2 किलोमीटर कवर किए, उसके बाद हम लोग रुके हैं। एक्चुअली अभी हमने लिया है सुसु ब्रेक, यहाँ पे सब लोग रुके हैं, बारिश बारिश हो रही है इधर। अभी करेंगे इसके बाद, अभी ब्रेक लिया, पहले व्लॉग करना जरूरी है। तो देखते हैं अभी, मुझे लगता है 2-2.5 घंटे का सफर और बचा है, उसके बाद बड़ा ही कंफर्टेबली हम पहुंच जाएंगे आगरा। और XUV 700 बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है ना, और ये तब से A-dash का पूरा यूज कर रहा है भाई। अभी सनरूफ के ऊपर निकले, ये भी निकल आए थे, देखो वीडियो अटैच कर रहा हूँ। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कार बड़े ही अच्छे से मुड़ रही है, इनफैक्ट एक एक जगह पे बड़ा सही से, मतलब अगर आपका टर्न है तो टर्न बाय टर्न एकदम स्टीयरिंग प्रॉपर मूव हो रहा है, गाड़ी एकदम अपनी लेन पे है। और देखो धीरे करा, मैंने ब्रेक नहीं मारी भाई, मैंने ब्रेक नहीं मारी, ये देखो भाई पूरा मेरे पैर है ही नहीं ब्रेक पे, ऑटोमेटिक है पूरा। हाँ क्या ब्रेक मार। चल भी अपने आप रही है, नहीं अब तो मैंने पकड़ा है, लेकिन वो स्पीड बढ़ जाती है अपने आप, बस ओवरटेक ना करती बाकी। देखो बढ़, ये देखिए भाई अपने आप बढ़ रही है, ये देखिए ये देखिए, हाँ देखिए मुड़ रही है अपने आप। काम करो सब लोग पीछे बैठो, हम लोग यहाँ पे जो खाना वाना खाएंगे। तो ये है BMW S1000 RR जो अपनी पहली बाइक है जो मुझे चेक करनी है। ये इसने करा है सिर्फ 6000 किलोमीटर। जो सबसे टॉप एंड मॉडल है वो है ये, इसमें कार्बन फाइबर लगा है, यहाँ पे आफ्टर मार्केट अक्रापोविक का एग्जॉस्ट लगा है, इंजन कवर्स लगे हैं, फ्रेम स्लाइडर्स लगे हैं, सब कुछ लगा है जितना कुछ लग सकता था बाइक में। और बहुत ही फ्रेश बाइक लग रही है फिलहाल तो देखने में। तो अभी हम चलाएंगे इसको स्लिक मोड पे, जो इसका बेस्ट मोड है और बीस्ट मोड है एक्चुअली। तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम राइडिंग 2018 S1000 RR, स्लिक मोड पे डाल दिया है। ABS का क्या सीन है देखते हैं। अच्छा ABS ऑन करना है मुझे, ऐसा ABS से कोई खिलवाड़ नहीं, और सारी चीज़ें चेक करेंगे, हीटेड ग्रिप्स एंड ऑल। बाकी चलो लेट्स गो राइडिंग। बाप रे बाइक तो अच्छी लग रही है, इंजन भी अच्छा लग रहा है इसका, और थोड़ा सा भगा के ज़रूर देखना चाहूँगा मैं इसको। क्विक शिफ्टर चेक करते हैं, डाउन शिफ्ट तो स्मूथ है, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है, वो
फ्लूइड शिफ्टर बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्विक शिफ्टर जितनी भी बाइक मैंने चलाई। Fuck man, क्या है ये? अरे बाप रे, this thing is fucking brutality man. क्या है भाई? और भी चीजें चेक करनी है। इंजन तो भाई बहुत ही बढ़िया है और आप देख रहे हो कैसे ये फेंक रही है एकदम पीछे को मुझे। यहाँ से हम मोस्ट प्रॉब्ली ले लेंगे टर। चेक करना है हीटेड ग्रिप, देखते हैं हीटेड ग्रिप काम कर रही है कि नहीं। हीटेड ग्रिप ऑन कर दी तो जो ग्रिप्स हैं वो गर्म होने लगी, दैट मीन्स बढ़िया काम कर रही है। हीटेड ग्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंद कर देते हैं। अब इसके बाद टेस्ट करना है क्रूज कंट्रोल, तो बाइक यहाँ से टर्न लेते हैं उसके बाद क्रूज कंट्रोल चेक करते हैं। चलो क्रूज कंट्रोल चेक करते हैं इसका। और भाई ऐसी बीस्ट है ना ये, तो क्रूज कंट्रोल कैसे लगता है मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा ये ऑन करा मैंने, लग गया, सही है सही है। क्रूज कंट्रोल भी बढ़िया काम कर रहा है। टाइम टू गो फुल थ्रॉटल ऑन दिस बीस्ट, लेट्स सी कितनी जान है इसमें। गई भाई एकदम, क्या चीज है, फट के हाथ में आ गई एकदम, कसम से ऐसी चीज है ये। एक बार और हाँ भाई, अरे यार मेरी नहीं है ना एक्चुअली, मैं देख रहा हूँ लेने के लिए। हाँ अच्छी लग रही थी ये, मेरे ऊपर अच्छी लग रही, मेरे ऊपर ठीक है भाई ठीक है। हाँ 20 लाख की, 20 लाख 20 लाख जी हैं, नहीं BMW जी। चल तो बढ़िया रही है, चल तो अच्छी रही है। हर्षद पहले खा रहा है फिर यही निकाल के आ रहा है। नहीं नहीं यार, कह रहा है कोई आसान नहीं रखते हो लेन देन हो जाएगा सारा यही भाई देखो पतंजलि की बॉटल कितनी अच्छी लग रही है ना, देने लगे एकदम।